हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीन एंड देयर यूज ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीन यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल JCB, ये सबसे वेल नोन नाम है। उसके बाद बुलडोजर है, ट्रेंचिंग मशीन है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे जो बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज जो है हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर यूज होती है। तो एज ए सिविल फ्रेशर सिविल इंजीनियर हमें ये जो सारे मशीन है उनका नाम और उनका यूज क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इसके लिए आज की वीडियो में मैं आपको सारे जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीन है उनके नाम बताऊंगा, ठीक है। उनका वर्क क्या है, वो क्या काम करते हैं, उसकी भी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, मशीन है, वो दोस्तों आपको सब जानते हैं, उसको शॉर्ट में हम JCB के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। JCB का फुल फॉर्म क्या है अगर आपको पता है तो जरूर इसके वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ठीक है। तो JCB आपने देखा ही होगा, कहीं भी अगर कुछ भी एक्सकेवेशन करना है या फिर ग्राउंड लेवल के ऊपर हो या फिर नीचे हो, कहीं भी दोस्तों एक्सकेवेशन करना है तो JCB बुलाया जाता है, ठीक है। JCB क्या करता है, JCB ग्राउंड के नीचे एक्सकेवेट भी कर सकता है, जमीन खोद के फिर उसको ट्रैक्टर में फिल भी कर सकता है, और दोस्तों ये जो है 180 डिग्री काम कर सकता है, मतलब उसका जो बूम होता है, ठीक है, वो 180 डिग्री पे रोटेट होके काम कर सकता है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो कि JCB दोस्तों हर तरह के लेवल पे काम कर सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। दोस्तों सेकेंड है हमारा बुलडोजर। दोस्तों बुलडोजर आपको पता ही होगा कि आपने बचपन में बुलडोजर के खिलौने भी खरीदे होंगे, उसके साथ खेले भी होंगे, ठीक है। बुलडोजर का मेनली जो काम है दोस्तों वो क्या है, जमीन को स्क्रैप करता है, मतलब 1 से 1.5 फीट तक वो अपने जो बागे वाला जो बकेट होती है उससे खोदता है, फिर दोस्तों उसको खोद के ट्रैक्टर में फिल करने का भी काम करता है, एक मटेरियल को यहाँ से वहाँ, एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन में ले जाने के लिए और स्पीडली ले जाने के लिए दोस्तों बुलडोजर का काम होता है। जैसे कि साइड से साइड पर कहीं भी एक ग्रेवल या फिर एग्रीगेट पड़ा है उसको लेके किसी दूसरी जगह पे रखना है या फिर उसको एक बहुत ज्यादा फैल गया है उसको हमें एक पोजीशन पे करना है, तो ऐसे केस में दोस्तों बुलडोजर बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है, ठीक है। तो ये है उपयोग बुलडोजर का। थर्ड जो इक्विपमेंट है दोस्तों वो है ट्रेंचर। ट्रेंचर दोस्तों आपने देखा ही होगा, कई जगह रोड के और पाइपलाइन के अगर काम चल रहे होंगे वहां पे आपको ट्रेंचर देखने को मिल जाता है। ट्रेंचर का दोस्तों मेन वर्क क्या है, वो जमीन को खोदे बिना या फिर खोद कर उसके अंदर से दोस्तों पाइपलाइन या ड्रेनेज लाइन का काम करने के लिए यूजफुल होता है, राइट। पहले दोस्तों क्या होता है, ट्रेंचर जो होता था वो क्या करता था, जमीन को ऊपर से खोदता था, मतलब जितनी जरूरत है, जितनी पाइप का डायमीटर है उससे जो थोड़ा ज्यादा डायमीटर का वो ट्रेंच खोदने के लिए जरूरी है, जबकि JCB और जो बुलडोजर क्या करेंगे बहुत ज्यादा जो है सॉइल को एक्सकेवेट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे दोस्तों खर्चा बढ़ जाता है, टाइम भी ज्यादा जाता है, पर ट्रेंचर क्या करता है, जितना जरूरी है, जितनी वीक जरूरी है उतना बीच का ही वो क्या करता है, एक्सकेवेशन करता है, जिससे वो पाइप हमारा या फिर ड्रेनेज लाइन जो है वो हमारी लग सके, ठीक है। तो जो हमारा ट्रेंचर है उसका मेन काम क्या है कि ट्रेंच बनाना, गड्ढा खोदना जो पाइपलाइन और ड्रेनेज लाइन के लिए और दूसरे काम के लिए अगर जरूरत है तो उसके लिए वो काम आता है। और उसके बाद है दोस्तों एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर को दोस्तों इंडिया में ज़्यादातर पोकलैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जब हमें बहुत ज़्यादा डीप एक्सकेवेशन करना है, 30 से 40 फीट या फिर 50 फीट के करीब दोस्तों एक्सकेवेशन करना है, तब दोस्तों हम एक्सकेवेटर का यूज़ करते हैं। एक्सकेवेटर को यहाँ पे पोकलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पोकलैंड कंपनी ये जो है ये एक्सकेवेटर बनाती है, ठीक है। तो इसमें और JCB में क्या फ़र्क है, JCB भी एक्सकेवेशन ही करता है और दोस्तों ये हमारा जो पोकलैंड है वो भी एक्सकेवेशन करता है। तो इसमें दोस्तों बूम का डिफरेंस है, इसकी जो बूम है वो लंबी होती है, 30 से 40 फीट के करीब दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो आती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये ज़्यादा डीप तक एक्सकेवेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसका बेनिफिशियल कब है, जब दोस्तों हम रिटर्निंग वॉल का एक्सकेवेशन करते हैं या फिर दोस्तों हमें बॉक्स कलवर्ट अगर बनाना है उसके लिए दोस्तों करीबन 100 फीट नीचे तक हमें जाना है, रेलवे के नीचे जब बनता है, ठीक है, तब दोस्तों ये जो पोकलैंड है उसका यूज होता है। और इसके 360 डिग्री एक्सकेवेशन करने से क्या होता है कि एक तरफ ये एक्सकेवेशन करता है, दूसरी तरफ जो ट्रैक्टर है या डंपर है उस पर जो है एक्सकेवेट की हुई जो सॉइल है उसमें भरता है।
तो जेसीबी और इसमें का जो काम है वो दोस्तों ऑलमोस्ट दोस्तों ये जो है डबल काम देता है जेसीबी से। जेसीबी जो काम 10 घंटे में करेगा वो काम दोस्तों ये जो एक्सकेवेटर है पोकलैंड है वो 5 घंटे में आपको करके देने वाला है। इसका रेट भी ज्यादा होता है, जेसीबी का पर आवर रेट आप समझ लिया 800 से 1000 रुपए के तब करीब होता है, जबकि पोकलैंड का रेट दोस्तों 1100 से 1500-1700 रुपए तक पर आवर तक का रेट दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा जेसीबी के बाद वो होता है दोस्तों डंप रोलर। रोलर आपको पता होगा कि रोलर बहुत सी जगह पे यूज होता है, ग्राउंड को कॉम्पैक्ट करने के लिए भी यूज होता है, रोड को दोस्तों ब्रोड बनता है तब दोस्तों हमारा जो रोलर है उससे रोड को दोस्तों लेवल किया जाता है, राइट, कॉम्पैक्ट किया जाता है। तो रोलर दोस्तों आपने बहुत जगह दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके वेट के अकॉर्डिंग होता है, कोई कम टन का होता है, कोई ज़्यादा टन का होता है, जहाँ पे दोस्तों हैवी कॉम्पैक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा टन वाला रोलर यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से रोलर का जो यूज़ है दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और रोड में तो बहुत ज़्यादा ही इसका यूज़ होता है। कहीं भी अगर रोड बन रहा होगा तो वहाँ पे आपको जो ये डंप रोलर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट है दोस्तों पावर शोवर का नाम भी आपने सुना ही होगा दोस्तों। ये जनरली माइनिंग साइट जो होती है वहाँ पे यूज होते हैं, वहाँ जहाँ पे दोस्तों बड़ी क्वांटिटी में हमें सॉइल को एक्सकैवेट किया है, राइट, ब्लास्टिंग से या किसी चीज़ से जब हम एक्सकैवेट करते हैं किसी माइनिंग साइट पे, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो जो ब्लास्ट करके जो हमने सॉइल निकाली है उस सॉइल को फटाफट भरने के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी में भरने के लिए जो क्लैम्प शेल है उसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें दो बूम होती है, एक बूम बकेट को कनेक्ट करती है, एक बूम बकेट को ऊपर नीचे करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमारे जो सॉइल है वो एक्सकैवेट होती है, और एक्सकैवेट होकर 2-3 बकेट में ही दोस्तों हमारा जो बड़ा सा डंपर है वो दोस्तों ये फील कर देता है। इसलिए दोस्तों क्लैम्प शेल का बहुत ज़्यादा यूज जो है माइनिंग साइट पे बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद है दोस्तों ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन का नाम भी आपने सुना ही होगा, बहुत सी जगह पे दोस्तों ड्रैग लाइन का यूज होता है, वहां जहां पे दोस्तों हमें एक लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे तक, मतलब 30-40 फीट नीचे हमें कोई सॉइल को निकालना है या फिर कुछ मटेरियल हमें निकालना है, तब दोस्तों ड्रैग लाइन का यूज़ होता है। ड्रैग लाइन के जो बूम है बहुत ज़्यादा लंबा होता है, वो नीचे तक जाता है, सॉइल को एक्सकैवेट भी कर सकता है और वहाँ से भर के ग्राउंड लेवल पर आके वो दोस्तों किसी डंपर या ट्रक में फिल भी कर सकता है। तो आप ये ड्रैग लाइन का वीडियो देख लीजिए ये कैसे काम करता है। ये भी दोस्तों माइनिंग साइट है जहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में एक्सकैवेशन और अर्थ मूविंग काम हो रहा है, वहाँ पे दोस्तों हमारा ये ड्रैग लाइन ये यूज होता है। उसके बाद है दोस्तों क्लैम्प शेल। क्लैम्प शेल में दोस्तों इस तरह से पंजे होते हैं जिस पंजे से दोस्तों बड़े बड़े पत्थर को अगर हमें उठा के किसी ट्रक में भरने हैं या फिर दूसरी जगह पे रखने हैं उसके लिए दोस्तों क्लैम्प शेल का यूज होता है। दुबई में जो भी दोस्तों जो सी वाटर ब्रेक वाटर जो बनाते हैं, राइट, सी में जो ब्रेक वाटर बनाया जाता है उसके अंदर जो पत्थरों को दोस्तों बहुत अच्छी तरह से रखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों जो ये क्लैम्प शेल है उसका यूज होता है। क्लैम्प शेल सही से उस पत्थर को पकड़ के उसकी पोजिशन में रखने के लिए क्लैम्प शेल का यूज होता है। तो मेनली दोस्तों इसका जो काम है वो पत्थरों को हटाना है या फिर पोजीशन पे रखना है या फिर किसी ट्रक में भरने के लिए यहाँ पे दोस्तों ड्रैग लाइन का क्लैम्प शेल का दोस्तों यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद है दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाली वो मशीन है, उसका नाम है दोस्तों ट्रैक्टर। ट्रैक्टर आपने सुना ही होगा, कोई भी मटेरियल हो, मिट्टी हो या फिर वो वेस्ट मटेरियल हो या फिर कुछ भी हो दोस्तों ट्रैक्टर के अंदर वो लोड करके उसे ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है। तो ट्रैक्टर आप एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर भी दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कंस्ट्रक्शन मशीन है, ठीक है, जो बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, उसका तो कोई ऑप्शन अभी तक आया नहीं है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है दोस्तों ग्रेडर। ग्रेडर दोस्तों क्या होता है, उसके नीचे एक ब्लेड लगा होता है बीच में, जिससे क्या होता है कि वो जो ग्राउंड को लेवल करने का काम करते हैं। जब भी दोस्तों कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट शुरू होती है तो वो जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वो अनइवन होती है, उस पर ग्रास होते हैं, कई पेड़ लगे होते हैं, ठीक है, कई पत्थर होते हैं छोटे छोटे, तो उन सबको निकाल के ग्राउंड को दोस्तों लेवल करने के लिए ग्रेडर का यूज होता है। ग्रेडर क्या करता है, वो जो सारी जो सॉइल है, सारी जो रूट्स है, उसको निकाल के एक साइड पे करता है और जमीन को दोस्तों लेवल करने का काम करता है, ठीक है। ये एक्सकैवेट भी करता है, करीबन दोस्तों 1 से 1.5 फीट की मिट्टी ये हटा भी सकता है। तो ये जो ग्रेडर है दोस्तों जनरली साइट क्लियरेंस वर्क के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा यूजफुल है।
उसके बाद आते हैं दोस्तों डंपर। डंपर दोस्तों आप सिटी में तो देखने को कम से कम मिलेंगे, बट दोस्तों बड़ी सी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी हमें निकालनी हो, फाउंडेशन की डेप्थ भी दोस्तों करिए 15 से 20 फीट है, ठीक है, या फिर कहीं माइनिंग का काम चल रहा हो, तब दोस्तों डंपर का यूज़ होता है। डंपर दोस्तों किसी ट्रैक्टर मतलब 4 ट्रैक्टर के बराबर वो दोस्तों सॉइल को निकाल मतलब ले सकता है, दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो इसकी जो साइज़ है वो भी दोस्तों बहुत बड़ी होती है कंपेयर टू ट्रैक एंड जो ट्रक होते हैं उसके कंपेयर में, ठीक है। तो डंपर दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉइल हमें निकालनी है उस जगह पे। अगर उसी जगह पे ट्रैक्टर यूज़ करेंगे तो बहुत सारे ट्रैक्टर हमें लगेंगे, क्योंकि जो हमारा जो एक्सकेवेटर है वो तो बहुत ज़्यादा सॉइल निकालेगा, ठीक है, पर ट्रैक्टर तो एक ही उसकी जो एक ही बकेट में ट्रैक्टर फुल हो जाएगा तो वो बहुत कम काम होगा, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों जैसे एक्सकेवेटर 10 घंटे का काम 5 घंटे में करता है, वैसे ही दोस्तों ट्रैक्टर का जो काम दोस्तों 10 घंटे में करेगा, ये जो डंपर है वो कम जो है ट्रैवलिंग में मतलब कम जो फेरे मारेगा कम फेरे में ये काम कर देगा, क्योंकि वो ज़्यादा सॉइल ले जाने के कैपेबल होता है। के बाद दोस्तों ट्रक मिक्सर या फिर RNC कंक्रीट को जो कैरी करता है वो भी दोस्तों एक बड़ा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। RNC का जो भी RNC मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट जो है वो जो ट्रक मिक्सर में आता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे RNC प्लांट दोस्तों ऐसा नहीं कि उसी जगह पे बनाया जाता है, कई बार कंस्ट्रक्शन साइट से दूर भी होते हैं तो वहाँ से कंक्रीट बन के हमारी साइट पे पहुँचाने का काम दोस्तों ये ट्रक मिक्सर करते हैं। ट्रक मिक्सर में एक बड़ा सा ड्रम होता है जिसके अंदर कंक्रीट दोस्तों मिक्स होता रहता है, जितनी ज़्यादा वो मोशन में रहेगा उतना वो फ्रेश रहेगा, अगर उसको स्टील हो गया मतलब वो थम गया तो वो दोस्तों सेट होना शुरू हो जाएगा, बट अगर वो घूमता रहा तो वो सेट कम होता है। और इसके लिए दोस्तों केमिकल एडमिक्सचर का भी यूज होता है जिससे दोस्तों कंक्रीट का सेटिंग टाइम दोस्तों कम किया जाता है। तो जब मैं कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहा था ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट से, तब दोस्तों करीबन 100 किलोमीटर दूर RNC प्लांट था, वहाँ से लेके हमारी साइट पर ये जो ट्रक मिक्सर थे वो कंक्रीट लाते थे, फिर कंक्रीटिंग होता था, ठीक है। तो ये भी दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मोबाइल क्रेन का या फिर क्रेन का। क्रेन आपको पता ही होगा कि कहीं पर दोस्तों अगर बहुत बड़ी चीज़ हमें उठा के रखनी है, ठीक है, कोई चीज़ को हटानी है, तो इसके लिए जो है क्रेन का यूज़ होता है। क्रेन दोस्तों उसका बूम बहुत ज़्यादा लंबा होता है, राइट। जनरली आपने जब रेलवे का जो काम होता है, रेलवे के जो गर्डर रखे जाते हैं या फिर रेलवे के जो स्लीपर उठा के रखे जाते हैं, ठीक है, उसके लिए दोस्तों ये जो क्रेन है इसका यूज़ होता है। क्रेन का छोटा भाई दोस्तों वहाँ हाईवे बोला जाता है, राइट, मतलब हाइड्रो बोला जाता है, ठीक है। वो भी दोस्तों कई बार आपने जो है रोड पे देखा होगा, कई जगह का कोई सामान उठाना है तो उसके लिए दोस्तों वो हाइड्रो दोस्तों यूज़ होता है, और ये क्रेन दोस्तों बड़े कामों के लिए यूज़ होता है जो रेलवे में आपने बहुत जगह देखा होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपने किसी बिल्डिंग पे कोई क्रेन देखी होगी, ठीक है, वो दोस्तों क्रेन अलग है, उसको टावर क्रेन बोला जाता है। टावर क्रेन क्या होता है कि बिल्डिंग के सेंटर में लगाई जाती है, जिससे दोस्तों क्या होता है बड़े बड़े जो शटरिंग प्लेट है या फिर कोई सामान है उसे बिल्डिंग से ऊपर से नीचे ले जाने के लिए ये जो क्रेन है इसका यूज़ होता है, ठीक है। जब बिल्डिंग की हाइट दोस्तों कम होती है तब दोस्तों इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ता कि हाइड्रा या फिर क्रेन से रख सकते हैं, बट दोस्तों 10-12-15 माले की बिल्डिंग या फिर 20 माले की अगर बिल्डिंग हो जाए तब दोस्तों ये काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि बिल्डिंग के जो टॉप पे दोस्तों यहाँ पे टावर क्रेन लगा दी जाती है। टावर क्रेन क्या करता है, नीचे से सामान को ऊपर लाता है, ऊपर से नीचे ले जाता है। बड़ी बड़ी शटरिंग प्लेट को उठाना तो नामुमकिन है, और अगर बाहर की तरफ लगाना है तो लेबर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो ये जो टावर क्रेन है उसी शटरिंग प्लेट को उठा के जो लेबर है उसको सही जगह पर फिट करने के लिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और सारी जो कंस्ट्रक्शन साइट है, मल्टी कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पर दोस्तों टावर क्रेन का यूज़ ज़रूर किया जाता है। तो दोस्तों ये थे अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन मशीन जिसके मैंने वीडियो भी आपको बताए, मैंने फोटोग्राफ से आपको बताए। आपको दोस्तों ये जो मेरा वीडियो कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट करिए, जिससे दोस्तों मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।